इंदौर में 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन सफल रहा, जिसमें दुनिया भर के 3,000 से अधिक प्रवासी भारतीय आए। अमेरिका, जापान सहित अन्य देशों से आए एनआरआई से हमारे सहयोगी सौम्या जैन ने खास चर्चा की, जिसमें उन्होंने इंदौर को दिल वालों का शहर बताया, साथ ही निवेश के लिए मध्य प्रदेश को बेहतर बताया। जी, लगातार एनआरआई से हम बात कर रहे हैं। वहीं अभी हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रीना रेणुराज, जो कि हमें बताएंगे कि मोदी जी के संबोधन के बाद उन्होंने उनकी क्या विचारधारा है। जी बताएंगे। सबसे पहले तो नमस्कार इंदौर एंड टू सारे भारतीय प्रवासियों को, और सबसे ज़्यादा इंदौर वासियों को और मध्य प्रदेश की सारे लोगों को, मिस्टर चीफ मिनिस्टर को एंड मिस्टर मोदी को। बहुत ही अच्छा लगा। पिछले 3 दिनों से मैं यहाँ पे हूँ और बहुत घबराई हुई थी मैं, क्योंकि पहली बार मैं लाइफ में इंदौर या मध्य प्रदेश आ रही थी, और मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कुछ लाइक जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं या बताते हैं कि ये संभाल के रखिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं लगा। बहुत ही महफूज और इतने फ्रेंडली लोग यहाँ पे हैं। इंदौर वाले कहीं लग ही नहीं रहे थे कि हम नए हैं उनके लिए। सारे वो मुझे, जितने लोग मुझे मिले, किसी दुकान पे मैं गई एक मेडिसिन खरीदने, वहाँ पे भी बच्चे बहुत अच्छे से पेश आ रहे थे। पूरा इंदौर बहुत सुंदर है और बहुत फ्रेंडली लोग हैं यहाँ पे। मैं मंदिरों में गई, मंदिरों की सफाई देख के विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना खूबसूरती से कोई मंदिर को साफ रख सकता है। वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज वर देयर एंड मंदिर वॉज सो क्लीन, स्पेशली ओंकारेश्वर वॉज सच ए नीट एंड क्लीन टेम्पल, वेरी क्लीन टेम्पल। और मेरा पूरा सोच बदल गया इंदौर और इंडिया के बारे में, और मैं ये बड़े गर्व से कह सकती हूँ कि सफाई सिर्फ विदेशों में ही नहीं है, सफाई हमारे हिंदुस्तान में भी है, हमारे भारत में भी है। और मोदी जी का जो भी सपना है कि भारत को स्वच्छ रखने का, तो सच में स्वच्छ है। मोदी जी के भाषण से हमें ये पता चला कि वो आने वाली जनरेशन के लिए कितना प्रॉमिसिंग है, वो कितना कुछ चाहते हैं कि उनके आने वाले जनरेशन जो है वो एक संभ्रांत और सक्सेसफुल जनरेशन बने। वो हर चीज़ का मौका दे रहे हैं भारत में रहने वालों के लिए भी और उन भारतीयों के लिए भी जो इस बात से डरते थे कि हम इन भारत पहुँचेंगे तो लोग हमारे साथ चीट करेंगे, धोखा देंगे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। एंड मिस्टर मोदी हैज़ गिवेन अ वंडरफुल सपोर्ट, और बहुत सारा उन्होंने हमें एक आश्वासन दिया है सभी भारतीयों के लिए। मैं ब्रिटिश नागरिक हूँ और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे इंदौर में आके, एंड मोदी जी को बहुत सारी बधाइयाँ उनके पूरे देश को संभाल के रखने के लिए। और उनकी मम्मी के जाने का हमें बहुत अफसोस है। मोदी जी पूरी दुनिया के लिए एक अवतार हैं एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ हिम। थैंक यू सो मच। तो आपने देखा कि एनआरआईज पीएम मोदी की तारीफ़ करते जा रहे हैं, और मोदी ने जो इंदौर के बारे में जो तारीफ़ की है उसको भी लगातार देखकर वो तारीफ़ करते जा रहे हैं। इंदौर की तारीफ़ कर रहे हैं, इंदौर की स्वच्छता की तारीफ़ कर रहे हैं, वहीं इंदौर के जायके के बारे में भी बहुत सुंदर सुंदर बातें बोल रहे हैं मोदी जी। वहीं तमाम जानकारी के लिए बने रही खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार। मेरा नाम आनंद विजय सिंह है और हम लोग जापान से आए हुए हैं यहाँ पे। हमारी अपनी कंपनी है वहाँ पे, रेस्टोरेंट है, होटल्स हैं, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी हम लोग डील कर रहे हैं वहाँ पे। जी सर जी, जैसे हमारी पूरी भारत सरकार ये चाहती है कि वहाँ बाहर की टेक्नोलॉजीज यहाँ पर इंडिया में आए और एक विकसित भारत बने, आगे ग्रोथ करे, तो उसके लिए आपके माइंड में, आपके दिमाग में क्या प्लान है कि वो टेक्नोलॉजीज यहाँ कैसे आएंगी? जैसा कि कल हमारी मुलाकात यहाँ के उद्योग मंत्री से हुई थी, श्री राजवर्धन सिंह जी से, तो उन्होंने काफ़ी कुछ हम लोगों को मध्य प्रदेश के बारे में बताया है। जैसे कि यहाँ एक तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो मध्य प्रदेश के साथ हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ये भूकंप सेस्मिक जोन में नहीं आता है, और शायद भारत का इकलौता राज्य होगा जो सेस्मिक जोन में नहीं है। तो यहाँ पे लिथियम से रिलेटेड अगर हम लोग बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वहाँ से लाना चाहें, तो इसके लिए काफ़ी कुछ उन्होंने हमें डिटेल शेयर किया है। तो हम लोग अभी जापान लौटने के बाद अम्बेसी में भी इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारी कोशिश यही होगी कि अम्बेसी के साथ सबसे पहले हम लोग एक वर्चुअल कोई मीटिंग करवाएं यहाँ पे, यहाँ के जो भी अधिकारी हैं इस फील्ड के, तो आगे क्या सहयोग रहता है राज्य सरकार का, वो तो खैर राज्य सरकार ही जाने। जी, आप कितने टाइम बाद यहाँ इंडिया आ रहे हैं? इंडिया कोविड के बाद फर्स्ट विजिट है हम लोगों का। आप इंदौर आए, इंदौर में आपने देखा होगा कि बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? इंदौर के लिए कुछ नहीं कह सकते हैं। इंदौर सही में मतलब दिलवालों का शहर है। जितना साफ सफाई देखने को मिल रहा है हम लोगों को यहाँ, जो कॉपरेशन हम लोगों को यहाँ के लोकल पब्लिक से मिल रहा है,
अतुलनीय है ये। इसके लिए तो केंद्र सरकार के, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, यहाँ की पब्लिक जो है, खास करके यहाँ की पब्लिक को इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए जिस तरह से वो लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब यहाँ पर किस सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे? इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे बहुत संभावना है मेरे हिसाब से। जो यहाँ का क्लाइमेट है, यहाँ से लगभग हम सभी बड़े राज्यों में अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ से कोस्टल साइड में अगर हम जाना चाहें तो मुंबई बहुत नज़दीक है। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अगर हम डाल रहे हैं तो इसको बाहर भेजना आसान है यहाँ से। जी, तो आपने देखा कि यहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है उनको इंदौर में आके। उन्होंने इंदौर की भी जमकर तारीफ की है, तो वहीं हम आगे की जानकारी आपको लगातार देते रहेंगे। नमस्कार। हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे इंदौर के ही अजय सेठा जी, जो कि यूके में जाकर ज्वेलरी एसोसिएटेड के रूप में काम कर रहे हैं, वह हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइए कि आपको इंदौर में, आप कब से यूके गए हो और कैसी आपकी जर्नी रही है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं असल में तो यूँ कहना चाहिए, मैं शुरुआत इससे करूँगा कि ये एक NRI समिट थी, यहाँ पर नॉन रेसिडेंट इंडियंस आ रहे थे, मगर क्योंकि मैं इंदौर शहर का हूँ तो मैं अपने आप को नॉन रेसिडेंट इंदौरियन कहता हूँ। और ये जितने भी गेस्ट आज, जितने भी मेहमान इस अप्रवासी भारतीय सम्मेलन में आए हुए हैं, प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आए हुए हैं, ये सब मेरे लिए गेस्ट हैं और मैं उनका होस्ट हूँ क्योंकि मैं इंदौर का रहने वाला हूँ। बात करें कि मैं यूनाइटेड किंगडम में कब से हूँ, तो मैं लास्ट 19 वर्षों से मैं यूनाइटेड किंगडम जाता रहा हूँ, लेकिन मैं लगातार पिछले 13 वर्षों से यूनाइटेड किंगडम में रहता हूँ। और क्योंकि हमारा बहुत बड़ा कनेक्शन भारत से है, क्योंकि भारत के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो भारत में हैं हमारी कंपनी की, और हम लोग प्रेशियस ज्वेलरी के बिज़नेस में हैं, तो सारी मैन्युफैक्चरिंग क्योंकि भारत में होती है तो ऑब्वियसली मुझे भारत बार बार आना होता है। और जब भारत आता हूं तो जयपुर के अलावा मैं इंदौर ज़रूर आता हूं क्योंकि मेरा नेटिव प्लेस इंदौर है, और वहां से हम जो यूनाइटेड किंगडम में हमारी कंपनी है, कंपनी का नाम है ज्वेल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और हम लोग दुनिया भर के बड़े ज्वेलरी ब्रांड्स के OE सप्लायर्स हैं। बड़े ज्वेलरी ब्रांड्स हमको संपर्क करते हैं, अपने डिज़ाइंस देते हैं और हम उनको मैन्युफैक्चर करते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग सारी हमने भारत में रखी है ताकि भारत में भी जो उद्योग है वो फले फूले और यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, इसलिए हम भारत से बनाते हैं और विदेशों में बेचते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या कहना है यहाँ पर, मतलब किस तरह से, किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए? देखिए, वैसे तो बहुत इस पूरे इस एक्टिविटी का, इस प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा काम, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तमाम स्टार्टअप्स आ रहे हैं और वो सब इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, मैं पिछले 3 दिनों में ये देख पाया हूँ कि मुझे ऐसा कोई भी स्टार्टअप नहीं दिखा या ऐसा कोई भी पिच मुझे नहीं दिखा जिसमें लोग बाग फैशन या ज्वेलरी से रिलेटेड बात कर रहे हों, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का फोकस यहाँ पर IT रिलेटेड बिजनेस में है, क्योंकि इंडिविजुअल्स ने छोटी कंपनीज बना रखी हैं तो वो IT की ज़्यादा बात करते हैं, और थोड़ा बहुत मुझे फार्मा और थोड़ा बहुत मुझे फार्म से रिलेटेड, या कहना चाहिए फूड रिलेटेड इंडस्ट्री का मिला, लेकिन ज्वेलरी एंड फैशन इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी बिगेस्ट एंड वेरी गुड सेक्टर जिसमें बहुत कुछ इनोवेशन पॉसिबल है। इवन अगर कोई हमसे आइडियाज़ लेना चाहेगा, कहने को हम तो मैन्युफैक्चरर हैं और हम इंटरनेशनली इस प्रोडक्ट को बेचना जानते हैं, तो हम ऐसे बहुत सारे नए एंटरप्रेन्योर्स को या नए ऐसे स्टार्टअप्स जो आइडिया चाहते हों कि हम ज्वेलरी को या फैशन को किस तरीके से एज अ स्टार्टअप चालू कर सकते हैं विथ दी कहना चाहिए विद द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, हम इवन उनके आइडिया दे सकते हैं। अगर वो इस तरीके से करें तो मुझे लगता है कि एक नए फील्ड में बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं। मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, पहले मेरे लिए ज्वेलरी बहुत नया सा विषय था 15 साल पहले तक, क्योंकि मैं ज्वेलरी का था ही नहीं, मगर जब मैं ज्वेलरी में आया तो मैं सब काम सीख गया, मुझे समझ आ गया। मैं इससे पहले बहुत डिफरेंट इंडस्ट्री में था, मैं यहाँ पर मध्य प्रदेश में ही हिंदुस्तान मोटर्स में 9 वर्ष रहा, तो मैं 9 वर्ष तक हिंदुस्तान मोटर में काम किया, उसके अलावा मैंने टेलीविज़न चैनलों पे काम किया, लेकिन ज्वेलरी जो है वो मेरे को बाय एक्सीडेंट में ज्वेलरी में आ गया और मैं लगातार ज्वेलरी के लिए पिछले कई वर्षों से काम कर रहा हूँ। तो जो यहाँ की जो ज्वेलरी है वो वहाँ यूके में जाकर लोग किस तरह से पसंद करते हैं उसको?
देखिए ज्वेलरी तो पूरी दुनिया में हर महिला हर लड़की को ज्वेलरी पसंद है, और सिल्वर की, प्लेटिनियम की, गोल्ड की, डायमंड की और जेमस्टोन्स की ज्वेलरी सबको पसंद आती है। लेकिन भारतीय ज्वेलरी में लोगों को जो खास तौर पर डिज़ाइन पसंद आती है वो हिंदुस्तान का जेमस्टोन लोगों को बहुत पसंद है, क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जेमस्टोन की। यहाँ कॉटेज इंडस्ट्री की तरह काम होता है, घर घर में जयपुर के अंदर जो है वो जेमस्टोन, रॉ जेमस्टोन की कटिंग पॉलिशिंग का काम होता है, और हम उन्हीं छोटे जो कराची आर्टिजन्स हैं और आर्टिस्ट हैं उनको रोजगार देते हैं एक तरीके से, क्योंकि हम उनसे जेमस्टोन खरीदते हैं और उन्हें ज्वेलरी में जड़ के और पूरी दुनिया में बेचते हैं। तो विदेशों में इस चीज़ का बहुत क्रेज़ है कि एमरल्ड रूबी सफ़ायर जो है वो उन्हें बहुत पसंद आता है भारत का, और भारत हीरे में भी बहुत आगे है। भारत में आप जानते हैं सूरत शहर के अंदर डायमंड की कटिंग पॉलिशिंग होती है, और बहुत बड़ा बिजनेस, बम्बई के बड़े बड़े व्यापारी डायमंड की मार्केटिंग में बिजनेस करते हैं, उनसे हमारी सोर्सिंग होती है और हम उनको हमारी ज्वेलरी में लगा के बेचते हैं। वहाँ के लोगों को इंडियन आर्टिस्ट का, इंडियन कलाकारों के हाथ की बनी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, और जैसे हम बोलते हैं कि ये इंडिया में बना हुआ है, हैंडमेड है, बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। और लोगों का भरम चाइना को लेकर टूट चुका है, मतलब पिछले दिनों से, बहुत सालों से चाइनीज़ कंपनीज़ हावी थी इस बिज़नेस में, लेकिन आजकल हम अप्रोच नहीं भी करें तो हमारे कस्टमर्स, हमारे ब्रांड्स हमारे पास आते हैं खुद आगे चल के कि आपकी इंडिया में फैक्ट्री है, हम इंडिया में आपके साथ काम करना चाहते हैं, और हम उनको बना के देते हैं, क्योंकि हमारा एक जो इंडिया कनेक्शन है उसके कारण हम लोग यूके में ज़्यादा बेटर बिज़नेस कर पा रहे हैं। जी, तो आपने देखा कि हमारे भारत की ज्वेलरी यूके में तक पसंद की जा रही है, यहाँ का काम आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा है। वहीं हम आपको आगे की जानकारी भी इससे रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।